नमस्कार आदाब सत श्रीकाल मैं हूं कपिल काटपाल स्वागत है आप सभी का डेली न्यूज एनालिसिस ऑफ द हिंदू एंड अदर इम्पोर्टेंट सोर्स इज फर्स्ट ऑफ फरवरी 2021 विद मी ओके 2021 की एक फरवरी में आप सभी का स्वागत है उम्मीद करता हूं आप मुझे डेली फॉलो कर रहे हैं इसी तरह से इसी यूट्यूब चैनल पर डेली सुबह आपके लिए करंट अफेयर्स की क्लास लेकर आता हूँ बने रहिए जुड़े रहिए मेरे साथ और इस क्लास के तुरंत बाद हमारी होती है एक एमसी क्लास जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा नहीं आज नहीं मिलेगा बिकॉज uh, मैं यहाँ पर अभी फिलहाल uh, क्लास अपने घर से नहीं ले रहा आई एम आउट ऑफ टाउन ओके सो कुछ दिन आराम से बिताने की कोशिश में बाहर आऊँ है बट हाँ करंट अफेयर्स की क्लास रोज सुबह आठ बजे आपको लाइव डेफिनेटली मिला करेगी ये क्लास मैं जरूर लूंगा इंस्पाइट ऑफ बींग ऑन हॉलीडेज आई विल बी टेकिंग दीज क्लासेज ओके सो Uh, आज हाँ आज हम दिल्ली में हैं बिल्कुल दिल्ली में हैं बिल्कुल दिल्ली के आकाशवाणी सेंटर से बात कर रहे हैं कल की सी ए नहीं हुई डोंट वरी आई विल कवर दैट डेट पे मत जाओ कंटेंट पे जाओ डेट से कोई फर्क नहीं पड़ता कंटेंट से मतलब है आपको कंटेंट आपको मिल जाएगा ठीक है ओके गुड मॉर्निंग एवरी गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग वेरी गुड मॉर्निंग ओके सो राइट नाउ आई एम इन गुड़गांव ओके गुड़गांव के एक होटल में हूँ अभी मैं और किसी ने इनकेस अगर मिलने की इच्छुक हो तो आज मैं बता दूंगा आपको ठीक है आ, कि कहाँ कैसे कब मिलेंगे टेलीग्राम चैनल पे आप नजर रखिएगा स्टार्ट करते हैं सेशन को एंड बजट भी कराएंगे बजट में थोड़ा सा फ्री होके घर पर जाकर एक हफ्ते में बाहर रहूंगा ओके okay, घर पर जाकर आराम से बजट डिस्कस करेंगे कोई बजट ऐसा नहीं है कि आपको चार फेब चार को एग्ज़ाम है उसके लिए तैयार करना है यार इतना कुछ क्या क कैसे कर पाओगे इतना जल्दी तैयार तो टेंशन मत लो जो चार तारीख को एग्ज़ाम है जैसे प्रिपेयर कर रहे हो वैसे ही रखो अपनी प्रिपरेशन को उन्हीं चीज़ों को रिवाइज़ करो बेटर है कुछ नई चीज़ पकड़ोगे तो पुरानी चीज़ से भी हाथ धो बैठोगे तो इट्स बेटर कि आप नई चीज़ कुछ भी ना पकड़ें और पुरानी चीज़ को ही कंटिन्यू करते रहें अच्छे से रिवीजन करते रहें राइट ओके सो स्टार्ट करें आज का सेशन उम्मीद करता तो हूँ मेरी आवाज आपको सही तरीके से आ, आ रही होगी आ बिल्कुल 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 चार पीएम बिल्कुल ओके ठीक है गुड मॉर्निंग स्टार्ट करें सेशन को स्टार्ट करें चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट फरवरी 2021 की पहली खबर से डेली सुबह इसी चैनल पे सुबह आठ बजे क्लास होती है आप कंटेंट फॉलो कर सकते हो डिटेल में हम करते हैं और आप ट्रस्ट कर सकते हो कोई इशू नहीं है आराम से कीजिए तसल्ली से कीजिए रिवीजन अच्छे से कीजिए और पहली खबर की तरफ बढ़ते हैं यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ओके सो पहली खबर यहाँ पर आई है यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन से जिसने हाईलाइट किया है दैट द ईयर ट्वेंटी ट्वेंटी वर्स्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड नेशनिजेशन नेताइव नहीं हो रहे थे, आपके थे कहीं भी आप घूमने नहीं जा पा रहे थे ड्यू टू कोविड सो इसीलिए स्पेशली के द्वारा, द्वारा यह एक रिपोर्ट पेश की गई इसमें उन्होंने कहा इस रिपोर्ट के अनुसार इंटरनेट इंटरनेशनल arrivals जो हैं वो 74% से ड्रॉप हुए हैं दे हैव ड्रॉपड बाय 74% एंड द डेस्टिनेशन अक्रॉस द वर्ल्ड अलाउड 1 बिलियन फ्यूअर इंटरनेशनल arrivals फ्रॉम इट वाज इन 2019 2019 के मुकाबले एक बिलियन कम इंटरनेशनल arrivals देखने को मिले थे रिपोर्ट फर्दर हाइलाइट्स दैट द रिस्ट्रिक्शंस इन द इंटरनेशनल ट्रैवल हैज रिजल्टेड इन अ लॉस ऑफ 1.3 ट्रिलियन यूएस डॉलर इन एक्सपोर्ट रिवेन्यूज ऑब है आपका एक्सपोर्ट भी कम होगा इंटरनेशनल ट्रेवल्स आपके बैन है आपके इंटरनेशनल लेवल पे आपके सामान का एक्सपोर्ट इंपोर्ट आपका कम हो रहा था तो इसलिए इतना भी नुकसान आपको देखने को मिला है दिस लॉस इन एक्सपोर्ट रिवेन्यू मोर देन इलेवन टाइम्स द लॉस दैट अकड ड्यूरिंग द ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस इन टू थाउजेंड नाइनटीन टू एंड हेडक्वार्टर इज इन द दैड्रेड ऑन द स्पेन ऑफ दब्ल्यू एंड यू एन डब्ल्यू टी ओ का जो है

में जो क्राइसिस है तो उससे भी ग्यारह गुना ये ज्यादा है हेडक्वार्टर इसका मेड्रिड स्पेन में है राइट right, सो so ये है आपका डब्ल्यू एन यू रिपोर्ट के अनुसार ओके okay. सो so, यहाँ पर कोई भी अभी कोई भी क्वेरी कर रहा है कि सर कितना आता है कितना नहीं आता आपने ये कहा था आपने वो कहा था तो इस चीज पे ऊपर हम डिस्कशन ऑलरेडी पिछले दो तीन क्लासों में बहुत अच्छे से कर चुके हैं चाहे आप मेरे प्लस के स्टूडेंट हो चाहे अन अकेडमी के स्टूडेंट हो चाहे ये वाला स्टूडेंट हो ठीक है तो इट्स बेटर नोट टू डिस्कस ऑल द थिंग्स अगेन एंड अगेन प्लीज उन चीजों में मत जाए अगर आपको ट्रस्ट है अगर आपको बिलीव है तो आप फॉलो कीजिए अगर आपको ट्रस्ट नहीं है अगर आपको बिलीव नहीं है तो आप अनफॉलो कर सकते हैं आपके पास ऑप्शन है इस चैनल को अनसब्सक्राइब करने का मुझे अनफॉलो करने का कोई भी मैं पर्सनल जाकर आपको इनवाइट नहीं करता आपको मेरी बात रूड लग रही होगी बट ये मैं डैम श्योर हूं जितना आपने जहां से भी पढ़ा होगा उससे ज्यादा मेरे स्टूडेंट्स डेफिनेटली करके आए चाहे वो बीस ही क्वेश्चन करके आए होंगे लेकिन बाकी जगह से आपने पढ़ा होगा तो बीस भी नहीं कर पे आए ठीक है तो प्लीज मुझसे ज्यादा मत करवाइए मैं बहुत बार पहले भी ये बात कर चुका अब उस चीज को घसीटने का फायदा नहीं है बार बार कमेंट्स में आप खुद अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो और बाकी मेरे स्टूडेंट्स का भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं जो ट्रस्ट करते हैं जो बिलीव करते हैं और मेरा तो हो ही रहा है ठीक है सो प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि कमेंट्स करना बंद कर दीजिए अगर आपको पढ़ना है आप पढ़िए अगर नहीं पढ़ना मत पढ़िए जो मैं पढ़ा रहा हूं बस उस पे बिलीव रखिए और जितना कंटेंट आपको दे रहा हूं बहुत ही ज्यादा सफिशिएंट है आराम से सफिशिएंट है इन अब एक कंटेंट होता कहीं से भी नहीं आया अब वो कहाँ से लाऊं भाई मैं कोई आसमान फाड़ के तो लेकर आऊंगा नहीं अब कहाँ से आ गया अब हमें क्या पता कहाँ से आ गया लेकिन इतना जरूर है कि जो मैक्सिमम आया वो यहाँ से आया बस अब वो स्टूडेंट्स इसमें भी कई बोल देंगे मुझे सर आप ये क्लेम कर रहे हैं आप वो क्लेम कर मैं कुछ भी क्लेम नहीं कर रहा भाई स्टूडेंट्स ने मुझे बोला है और किसी ने कुछ नहीं बोला ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं न्यू चीफ इकनो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ आयुष्मान भारत आर एस शर्मा आर एस शर्मा ने अपॉइंट किया है एज द न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ओके आर एस शर्मा हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ आयुष्मान भारत स्कीम बेसिकली आयुष्मान भारत स्कीम जो है वो आपकी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भी उसको कहते हैं ठीक है जो कि नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के द्वारा यहाँ पर यह स्कीम लॉन्च की गई है, आप मिक्स क्या क्या करते, करते हो यहाँ पर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को आयुष्मान भारत स्कीम के साथ ओके सो हमेशा ये स्कीम को हम आपका मिक्स कर देते हैं बट एक चीज है यहाँ पर आयुष्मान भारत स्कीम में आपके दो कंपोनेंट्स हैं ठीक है आयुष्मान भारत स्कीम में आपके दो कंपोनेंट्स हैं जिसमें से पहला कंपोनेंट आपका प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है और दूसरा कंपोनेंट आपका रिलेटेड टू हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है है ठीक ये थोड़ी कंफ्यूजिंग वाली चीज है ध्यान रखिएगा जो आपके माइंड में मैं बिठा रहा हूं अभी ध्यान रखिएगा याद रखिएगा एग्जाम में ऐसी आवाज आएगी आपको कि आयुष्मान भारत स्कीम के दो कंपोनेंट है डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा तो गलत मत कराना यही ट्रिकी क्वेश्चन है जो हमेशा मैं आज से समझा रहा हूं आज इतने सारे टीचर बोल रहे हैं एमसीक्यू से मत करो एमसीक्यू से

ठीक है सो so, पर आपका प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना कंपोनेंट है किसका आयुष्मान भारत स्कीम का कंपोनेंट है तो इसमें दो कंपोनेंट है जो कि ये दूसरा कंपोनेंट है और पहला कंपोनेंट क्या है पहला कंपोनेंट है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर ओके पहला कंपोनेंट क्या है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर विच प्रोवाइड दी प्राइमरी हेल्थ केयर टू पीपल क्लोज टू देर होम्स ओके सेंटर बनाए जाते हैं छोटे मोटे जो सेंटर होते हैं ना वो बनाए जाते हैं जहां पर आपकी दवाइया वगैरह दे दी जाती हैं और दूसरा इसमें प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जिसके तहत क्या किया जाए जिसके तहत पांच लाख रुपए पर फैमिली पर ईयर आपका प्रोवाइड किया जाता है कवरेज यानी कि आप हॉस्पिटलाइज हो जाए तो पांच लाख रुपए तक आपको जो खर्चा है वो सरकार आपको वहन करेगी और ये स्कीम आपके तेईस सेप्टेम्बर दो को कहा लॉन्च की गई थी रांची झारखंड में लॉन्च की गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये तो आपका स्टेटिक हुआ यहाँ पर आयुष्मान भारत स्कीम का प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में अब जो न्यूज आई है उसमें यह आया जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बने हैं आयुष्मान भारत स्कीम के ओके आयुष्मान भारत स्कीम के यहाँ पर चीफ एग्जीक्यूटिव बने हैं यहाँ पर ओवर वर्ड से कंफ्यूज मत हो जाना ये जस्ट एक सिंपलीफाई करने के लिए दे उसकी डिटेल यहाँ पर दे रखी है ठीक है सो so, आर एस शर्मा जो कि आपके चेयरमैन थे किसी टाइम पे ट्राई के आपको याद होगा आप अगर पहले से पढ़ रहे हो करंट अफेयर्स और रिसेंटली रिसेंटली उनको एक जो एक यहाँ पर कोविड 19 से लड़ने के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया गया था दैट वाज द दर्ड ग्रुप ऑन टेक्नोलॉजी एंड डाटा मैनेजमेंट उसके भी यहाँ पर हेड बनाए गए थे आर एस शर्मा को इसका हेड भी बनाया गया है दैट इज द कोविन का कोविन ऐप जो आपकी लॉन्च की गई जिसके थ्रू आप रजिस्टर कर सकते हो आपको कौन कौन किस किस को वैक्सीन मिलेगी प्रायरटी वाइज किस किस को मिल रही है तो वो कोविन ऐप के थ्रू ही आप को रजिस्टर करना तभी आप वैक्सीन मिलेगी आपको तो वो भी जो इस चीज के पूरे, पूरे आ, के है so, पूरे डायरेक्ट नाम आएगा अगर चर्चा में रहते थे आर एस शर्मा बार बार चर्चा में आते थे और ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है अगर ट्रिकी क्वेश्चन की बात करूं तो यू कि कौन है अब यहां पर क्या होगा यहां पर आपके सामने माइंड में कंफ्यूजन पता क्या आएगा जब क्वेश्चन आएगा के माइंड में क्वेश्चन एग्जाम में जब आएगा कोविन लिखाएगा ठीक है पूछेंगे कोविन टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म जो बनाएगा उसका हेड कौन है उसमें एक ऑप्शन होगा आर एस शर्मा आपको पता है क्या होगा आपका जो लेटेस्ट latest... क्या होता है हमारे माइंड ऐसा होता है कि हमें जो लेटेस्ट चीज होती है वो ज्यादा याद रहती है फिर हम क्या करें एलिमिनेशन हमें याद तो रहेगा कोविन का बट हम एलिमिनेशन मेथड मैथड एलिमिनेशन मेथड में आप आर एस शर्मा को सबसे पहले एलिमिनेट करोगे रीजन बिंग क्योंकि आपको लगेगा आर एस शर्मा तो ना सीईओ ओ बनाएंगे तो आयुष्मान भारत स्कीम के नहीं ये तो हो ही नहीं सकते आंसर लेकिन नहीं वो कोविन के भी हैं वो आयुष्मान भारत के भी है ध्यान रखना एलिमिनेशन मेथड इसमें काम नहीं करेगा इस क्वेश्चन में अगर एलिमिनेशन मेथड लगाओगे तो अगर कोविन लगा दिया कोविन का आ गया तो आपने सीधा एलिमिनेट करना आर्य शर्मा जो कि गलत हो जाएगा तो ध्यान रखिएगा ये इस तरह से आपको याद रखना है अगली न्यूज पे चलते हैं जो कि है चोरी चोरा सेंटनरी सेलिब्रेशन टू बी इनाइ्रेटेड सो सो वर्ष होने वाले हैं आपके इस आ, चोरी चोरा आपके जो भी है चोरी चोरा बोलते थे इसको, so, उसके होने वाले चार फरवरी दो हजार इक्कीस को इसी मौके पर यहां पर नरेंद्र मोदी जी इसको इनाइग्रेट करेंगे इसकी सौ वर्ष होने की आ, मौके पर और इसी वक्त एक पोस्टल स्टैंप रिलीज की जाएगी यहाँ पर इस हिस्ट्री से रिलेटेड अगर चोरी चोरा की बात करें तो चोरी चोरा के बारे में ये पूरा का पूरा हिस्ट्री लिखी हुई है अब यहाँ पर आती है हिस्ट्री हमारे सामने आती है ये इसको हम बोलते थे मॉडर्न हिस्ट्री ठीक है अगर मैं एसएससी या यूपीएससी की भाषा में बात करूं तो ये कांड जो हमने पढ़ा था इंसिडेंस ये मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ा था लेकिन अब यहां पर ये ये करंट करंट अफेयर्स अफेयर्स का पार्ट बन चुका बन चुका चुका है है गॉट माय पॉइंट पॉइंट आपका एग्जाम से अब एग्जाम में आप ये कहते हो सर हिस्ट्री से क्वेश्चन आ गया बंधु हिस्ट्री से क्वेश्चन नहीं आया था वो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था जो एक प्रकार से कहीं ना कहीं करंट में आया था और उसकी डिस्कशन हुई थी उससे रिलेटेड कोई चीज आई थी और वही आपसे उन्होंने पूछ और वो आपको लगता है वो हिस्ट्री आई थी वो हिस्ट्री नहीं थी बिल्कुल भी ठीक है सो ये आपका इंस्टेंस टुक प्लेस अब जैसे पार्लियामेंट की बात करूं ठीक है कुछ एक्सेप्शन क्वेश्चन में मानता हुए आए थे बट इसका मतलब ये थोड़े ना कि अगर मान लीजिए कोई बारहवें महीने क्वेश्चन आ गया बारह महीने पुराना आठ महीने पुराना तो एक आपका माइंड कितनी चीजें एबजोर्व कर सकता है गिलास की कैपेसिटी जितनी है उतना ही गिलास में पानी भरोगे ना उससे ज्यादा अगर भरोगे तो ओवरफ्लो हो जाएगा और आप पानी पी भी नहीं पाओगे पानी गिरता रहेगा और पानी जब पीने की कोशिश करोगे तब भी पानी छलकता रहेगा आपके कपड़े गिले हो जाएंगे तो इसलिए उतनी ही चीजों को दिमाग में समाओ जितनी आपकी कैपेसिटी है मैं अगर छह महीने करंट बोल रहा हूं तो कुछ सोच समझ के बोलता हूं

इसमें जो जो चीजें लिखी हैं पढ़ लेना क्या हुआ था कब स्टार्ट हुआ था कहां पर हुआ था चोरी चोरा कौन सी जगह है गोरखपुर में है डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश की जगह है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो सामने लिखा है रट्टा मार लेना नथिंग एल्स ठीक है पूछ सकते हैं एग्जाम में कब स्टार्ट हुआ था क्यों हुआ था कैसे हुआ था ठीक है चलिए अगली नजर चलते हैं फिफ्टी फर्स्ट इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2021 गोवा में हुआ ओके okay, गोवा में यहाँ पर आपका गोवा के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी मार्ग डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम पंजी गोवा में ये हुआ है आपका फिफ्टी फर्स्ट इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हुआ है एंड ड्यू टू कोविड नाइन्टीन ये हाइब्रिड मोड में हुआ हाइब्रिड मोड का कहने का मतलब कि आपका ऑनलाइन भी हुआ और ऑफलाइन भी हुआ दोनों का दोनों हुआ और ये पहली बार हुआ हाइब्रिड मोड ऑफ फॉर्मेट इफ ही वॉज फर्स्ट इन इंडिया एंड इन एशिया टू ओके एशिया में और इंडिया में ही आपकी

आगे पूछते तो मैं यही कहता था सारे करने के लोग मजाक उड़ाते थे कि सारे करने हैं मैं हमेशा कहता सारे करने हैं अब तो बिल्कुल नहीं मजाक उड़ाओगे मुझे पता है तुम लोग बिल्कुल कहने की हालत में ही नहीं होगे सर सारा आएगा हाँ सारा आएगा ठीक है डाटा हमेशा कहता था एक एक लाइन में दस दस डाटा होता था एक न्यूज में बोलता था सारा डाटा आएगा हिंसते तो थे कि सर सारा थोड़ी ना आएगा है ना अब पता लग गया होगा सो कंट्री ऑफ फोकस एक्शन बांग्लादेश मेकिंग इट्स एनिवर्सरी ऑफ द लिबरेशन ओके सो पचास साल हो चुके हैं 1971 में आजादी मिली थी आपकी बांग्लादेश को जब इंडिया ने मदद की थी पाकिस्तान के साथ वॉर हुई थी इट्स फोर फिल्म्स फॉर स्क्रीन अंडर दिस कैटेगरी ये चार फिल्म इसकी दिशाई गई रूपसा नोदिर बनके डायरेक्टेड बाय द तर मुकमल मेघमलर बाय द रहमान अंजन अंडर कंस्ट्रक्शन बाय द रुबियात हुसैन एंड सिंसरली यूर्स ढाका बाय नुहास सिंसरलीकायासमियान ओके वेटरन एक्टर डायरेक्टर प्रोड्यूसर विश्वजीत चटर्जी हैज बीन प्रेजेंटेड विद इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवॉर्ड एंड ऑन दिब्यूट वॉज पेड टू नेताजी सुभाष चंद्र बोस ऑन ऑफ़ पच्चीसवीं बर्थ एनिवर्सरी के मौके पर उनकी मूवी नेताजी सुभाष चंद्र बोस दीरोपनिंग फिल्म थी इसकी अनदर राउंड ट्वेंटी ट्वेंटी डेनिश कॉमेडी ड्रामा क्लोजिंग फेस्टिवल वाइफ ऑफ स्पाई ट्वेंटी जैपनीज मूवी है जैपनीज ड्रामा है एंड चैनल पार्टनर थे डी डी इंडिया एंड डी नेशनल यहाँ पर एक एक लाइन एक एक शब्द यहां पर क्वेश्चन पे क्वेश्चन धरा शानदार क्वेश्चंस बना रहा है अच्छे से याद करना है एक एक लाइन को एक एक वर्ड को एक एक शब्द को एटलीस्ट इस पूरी पूरी की स्क्रीन में से मैं अगर क्वेश्चन बनाने लग जो आराम से मिनिमम दस क्वेश्चन बनेंगे आराम से मिनिमम मिनिमम ज्यादा शायद बन जाए बारह तेरह क्वेश्चन इस न्यूज में से इस एक स्क्रीन में से निकलकर सामने आ सकते हैं ठीक है ध्यान रखिएगा अगली खबर चलते हैं हम अः अगली खबर पे चलने से पहले ये कुछ और दुर्घटना आपके लिए ठीक है आपके लिए दुर्घटना ही होगी क्योंकि इतनी बड़ी न्यूज पहले थी और ऊपर से सोने पर सुहागा हमने ये किया कि अवार्ड्स की लिस्ट आपको पकड़ा दी ठीक है तसली तो से कीजिएगा एम क्लास अच्छा एम सी क्लास बंधुओं मैं नहीं लूंगा मैं पहले बता दो एम क्लास में पिछले अगले दिनों में नहीं लेने वाला ठीक है एम मैं अब जो दोबारा से स्टार्ट होंगे एम क्लास वो होंगी संडे को अगले संडे को अब अगले कुछ दिनों तक ना ही कोई प्लस क्लास होगी ना ही कोई एमसी क्लास होगी हम करेंगे आपकी यहाँ पर ये ओनली एंड ओनली करंट अफेयर्स की, जो गे। गे की, की क्लास जो सुबह आठ बजे होगी ओके आठ बजे से आधा पौना आधे घंटे की पौने घंटे की रहेगी क्लास ये वाली और एम सी क्लास मैं इकट्ठी लूंगा संडे को अगले संडे को याद रखना मैराथन क्लास लेंगे और पूरे पूरे हफ्ते के एम सी उस के उसका डालेंगे रिवाइज करके अच्छे से आना तब तक रिवाइज कर लेना पूरे पूरे हफ्ते के एम सी के जो बचेंगे एक तारीख से लेकर छह तारीख तक वो मैं सात तारीख को करवा दूंगा आपको ठीक है इंटरनेशनल ज्यूरी भी इसमें शामिल थी इंटरनेशनल ज्यूरी में आपको जो हेड थे वो पैबलो सीजर थे अर्जेंटीना एज एट चेयरपर्सन अ मेंबर्स आर दी ये मेंबर्स थे इसके ठीक है मेंबर्स से ईफी एस्टैब्लिश्ड इन 1952 इट इज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट फिल्म फेस्टिवल इन एशिया हेल्ड एनुअली द फेस्टिवल एम्स एट प्रोवाइडिंग अ कॉमन प्लेटफॉर्म फॉर ग्लोबल सिनेमास फॉर अंडरस्टैंडिंग फिल्म कल्चर ऑफ डिफरेंट नेशंस ओके सो ये ईफी के बारे में लिखा हुआ है एंड एमआईबी के बारे में प्रकाश केशव जावेडकर एंड सेक्रेटरी अमित खारे हैं अगली चलते हैं खबर यू ए की न्यू सिटीजनशिप पॉलिसी ओके यूनाइटेड अरब अमीरात ने अपनी एक नई सिटीजनशिप पॉलिसी जारी की है ओके okay. सो so, कुछ लोग एस बी आई पी और आर आर बी पी ओ आर आर बी पी ओ खैर इतना नहीं था कुछ एस बी आई पी ओ एग्ज़ाम देखने के बाद कुछ लोग सोच रहे हैं कि हम एग्ज़ाम बैंक एग्ज़ाम की तैयारी छोड़ दो साथ में इंडिया को ना छोड़ दें ठीक है तो उनके लिए खुशखबरी है वो यू ए जा सकते हैं उनको वहाँ पे वहाँ पर उनको इन्वाइट किया गया बेसिकली सिटीज़नशिप पॉलिसी के लिए वहाँ पर उनको सिटीजनशिप बना सिटीजन दिया जाएगा सिटीजनशिप जी दी जाएगी सिटीज़न बनाया जा सकता है एंड ऐसा करने वाली ये बनी है पहली गल्फ अरब नेशन ओके okay? पहला गल्फ अरब नेशन ये बना है जिसने आपका सिटीजनशिप पॉलिसी जारी की है बट यहां पर कुछ शर्तें हैं यू की उन शर्तों में आपका सबसे पहली शर्त क्या है सबसे पहली शर्त है कि वो आपका यू में उसकी प्रॉपर्टी होनी चाहिए दे आर रिक्वायर्ड टू अपटेन वन और मोर पेटेंट्स उनके नाम पेटेंट होना चाहिए विच इज अप्रूव्ड बाय द यू ए मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमी एंड डॉक्टर एंड स्पेशलिस्ट वहां पर हो सकते हैं यहाँ पर साइंटिस्ट शुड भी हैं अगर साइंटिस्ट हो तो एक्टिव रिसर्चर होना चाहिए किसी यूनिवर्सिटी में एंड दे शुड हैव प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ एटलीस्ट टेन ईयर इंडिविजुअल विद क्रिएटिव टैलेंट्स लाइक द इंटलेक्चुर आर्टिस्ट शुड बी पाइन इन कल्चर

ये फील्ड में आप हो सकते हो कुछ टैलेंट हो आपके अंदर ये पेटेंट वेटेंट हो सकता है आपको इंजीनियर हो उस टाइप के ठीक है अगर डॉक्टर स्पेशलिस्ट हो तो ये कुछ कंडीशन है जो यू ने लगाई है जिनके तहत आपका यूए की नई सिटीजनशिप पॉलिसी जारी की गई है ओके सो तो एग्जाम पॉइंट पंडित पहला क्वेश्चन आएगा कौन सी कंट्री बनी है पहली गल्फ अर्बर नेशन जिसने अपनी नई सिटीजनशिप पॉलिसी जारी की है राइट आंसर रहेगा आपका यू ए यू एल दी राइट आंसर ओके सो यहाँ पर आपका कुछ लोगों के जब ऊपर न्यूज आई थी तो कई लोगों ने सोचा वाह क्या बात है और जब नीचे हमने पढ़ा तो कई लोगों के सपने यहां पर टूटते हुए नजर आ रहे हैं ठीक है क्योंकि उनके पास ना ही प्रॉपर्टी होगी ना ही कोई पेटेंट होगा ना ही वो डॉक्टर है ना ही कोई स्पेशलिस्ट है ना ही कोई रिसर्चर है और ना ही कोई उनके अंदर टैलेंट है ठीक है तो यह सब चीजें इनमें से कोई भी कंडीशन आपकी फुलफिल होनी चाहिए आवश्यक है अगली खबर चलते हैं एशिया पैसिफिक पर्सनलाइज्ड हेल्थ इंडेक्स ओके सो यहां पर आपका एशिया पैसिफिक पर्सनलाइज्ड हेल्थ इंडेक्स आपका देखने को मिला है तो ये इंडेक्स किसने रिलीज किया पहला क्वेश्चन तो ये ये बनता है ये इंडेक्स रिलीज किया इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट ने रिलीज किया द इंडेक्स द रेडीस इन अडॉप्टिंग द दर्सनाइज हेल्थ केयर ऑफ इलेवन सिस्टम इन एशिया पैसिफिक रीजन जो एशिया पैसिफिक रीजन है वहां पर ग्यारह ऐसी कंट्रीज कह लीजिए ग्यारह ऐसे नेशन कह लीजिए उनके हेल्थ इंडेक्स पे फोकस किया हेल्थ सिस्टम पे फोकस किया गया है कि वहां के एशिया पैसिफिक रीजन के जो कंट्रीज हैं वहाँ का जो हेल्थ सिस्टम है वो किस तरह से है और उनको इसके लिए रैंकिंग दी गई है ठीक है सो so यहाँ पर आपका उनके लिए रैंकिंग दी गई है एशिया पैसिफिक पर्सनलाइज्ड हेल्थ इंडेक्स दिस इज अ न्यूली लॉन्च्ड इंडेक्स इट मेजर्स द प्रोग्रेस ऑफ हेल्थ सिस्टम टुवर्ड्स द हेल्थ केयर ओके सो यहां पर आपका हेल्थ सिस्टम की प्रोग्रेस शिया साउथ कोरिया न्यूजीलैंड ये आपके इसमें शामिल किए गए ग्यारह के ग्यारह यहाँ पर कंट्रीज के नाम लिखे हुए हैं इसमें अब यहाँ पर पहले तो रैंकिंग देखते हैं ठीक है रैंकिंग में आपका सिंगापुर ने सबसे टॉप किया सेकेंड पोजिशन पे आपका ताइवान रहा ठीक है जापान ऑस्ट्रेलिया आपका तीसरे और चौथे स्थान पर रहा इंडिया आपका दसवें स्थान पर रहा एंड इंडोनेशिया आपके ग्यारहवें स्थान पर रहा ठीक है सो ये आपकी रैंकिंग आई है यहां पर

पार्ट्स पार्ट उन चारों में यहाँ पर इंडिया का रैंक रहा है वो दे रखा है टोटल यहाँ पर ट्वेंटी अलग अलग चार कैटेगरीज में डिवाइड किया गया जिनके बेस पर यह चीज हम की गई है ओके सो एग्जाम पॉइंट से एशिया पैसिफिक रीजन ग्यारह कंट्रीज आपके सामने है खैर ग्यारह कंट्रीज आई डोंट थिंक ये आपके लिए पॉसिबल होगा याद रखना बट ये ग्यारह कंट्रीज है आपके लिए और जो टॉप किया इंडिया का रैंक क्या रहा लो पे किसने रहा और इंडिया के अलग अलग बाइफरेशन में रैंक क्या रहा है ये याद रखना है अगली खबर चलते हैं एल एन टी बैग कॉन्ट्रैक्ट फॉर द बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट ओके सो यहाँ पर बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट बेसिकली बुलेट ट्रेन का नहीं कहूँगा एक्जेक्टली exactly कहूंगा exactly कहूंगा मैं यहाँ पर बुलेट कॉरिडोर है और आई एच आई इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम इन दोनों ने मिलकर यहाँ पर एक एल एन टी से रिलेटेड सॉरी बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट से रिलेटेड बुलेट ट्रेन से रिलेटेड आपका एक प्रोजेक्ट इनको मिला है और ये जो प्रोजेक्ट है वो केवला है इनको ट्वेंटी एट स्टील ब्रिजेस अट्ठाईस किए जाएंगे मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर है बुलेट ट्रेन का उसके लिए मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट इज अ पांच किलोमीटर लॉन्ग कॉरिडोर इट विल ऑपरेट एट स्पीड ऑफ थ्री किलोमीटर पर आवर द ट्रेन कॉरिडोर विल पास थ्रू गुजरात महाराष्ट्र एंड दादरा एंड नगर हवेली ओके सो कॉरिडोर यहां से पास होगा गुजरात महाराष्ट्र दादा नगर हवेली से सबको मालूम है बहुत पुरानी न्यूज है अगर नहीं मालूम तो यहां से याद कर लेते हैं 508 किलोमीटर की बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट है 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जोड़ेगी गुजरात महाराष्ट्र दादरा नगर हवेली से होते हुए ये गुजरेगी और इसको फंड किया गया जापान इंटरनेशनल कॉपरेशन एजेंसी के द्वारा इसके द्वारा यहाँ पर इसको फंडिंग भी दी गई है सो तो एग्जाम पॉइंट से पर टी बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट इसके साथ मिलकर इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम के साथ मिलकर यहाँ पर किया है और ये पूरा का प्रोजेक्ट देख कौन रहा है नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड इसको देख रहा है ओके सो ये इसको देख रहा है इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को ओके सो ये है आपका टोटल अमाउंट तेरह नब्बे करोड़ ओके थर्टीन करोड़ रुपीज उम्मीद करता हूं याद हो गया होगा नहीं हुआ हो तो कोई बात नहीं ओके स्टार्स प्रोजेक्ट की बात करते हैं हम यहां पर एक नया स्टार प्रोजेक्ट स्टार प्रोजेक्ट क्या है स्टार प्रोजेक्ट है स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट प्रोग्राम प्रोजेक्ट ये एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है स्टार प्रोजेक्ट यहां पर ठीक है सो so यहां पर आपका स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट प्रोग्राम प्रोजेक्ट ये एक स्टार का फुल फॉर्म है स्टार का फुल फॉर्म याद रख लेगा पूछा जा सकता है एग्जाम में वट डू मीन बाय स्टार प्रोजेक्ट ये डायरेक्ट क्वेश्चन अगर थोड़ा सा पूछे वट डू मीन बाय स्टार प्रोजेक्ट उस बायेक्ट का क्वेश्चन भी आ जाएगा स्टार के फुल फॉर्म भी आ जाएगी ओके सो इसके लिए यहाँ पर स्टार प्रोजेक्ट के लिए जो न्यूज आई है वो ये आई है बेसिकली कि डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के तहत आता है और वर्ल्ड बैंक इन दोनों ने मिलकर यहां पर एक एग्रीमेंट

जो कि आपको याद रखने हैं, स्टार प्रोजेक्ट विल बी बेनिफिटिंग अप्रोक्सीमेटली 250 मिलियन स्टूडेंट्स को ये बेनिफिट करेगा जिनकी एज रहेगी छह से, से सत्रह साल के

इसके लिए वर्ल्ड बैंक ने दिया है विच स्टैंड अराउंड थर्टी सेवन हंड्रेड करोड़ रुपीज के नियर अबाउट यहाँ पर ये यह रहता है ठीक है एग्जैक्ट अगर मैं रुपीज में इसको कन्वर्ट करूं और यहां पर वर्ल्ड बैंक ने लोन नहीं दिया है वर्ल्ड बैंक की एक आम है वर्ल्ड बैंक की एक एजेंसी है वर्ल्ड बैंक का एक डिपार्टमेंट कह लीजिए और वो है आई ध्यान रखना यहाँ पर ये यह ट्रिकी वाला ये खेल खेला जाएगा आपसे कि हु हैज गिवन दी लोन ऑफ रुपीज फाइव मिलियन डॉलर टू दी स्टार प्रोजेक्ट ऑप्शन आएंगे पहला वर्ल्ड बैंक दूसरा आएगा आई बी आर डी तीसरा आएगा ठीक है चार पांच ऑप्शन आपके सामने आ जाएंगे तो ऊपर ऊपर देखते हैं वर्ल्ड बैंक वर्ल्ड बैंक हमसे टिक हो जाएगा जबकि राइट आंसर रहेगा आईबीआर ठीक है ध्यान रखना राइट आंसर इसका क्या है आई बी आर डी वर्ल्ड बैंक नहीं है वर्ल्ड बैंक की ही एक आम है वर्ल्ड बैंक का एक डिपार्टमेंट है जिसको हम आई बी आर डी कहते हैं उसने यहां पर लोन दिया है पांच सौ मिलियन डॉलर का और जो कि दिया है साढ़े सत्रह सालों के लिए जिसका ग्रेस पीरियड है पांच वर्ष का द स्टार प्रोजेक्ट वॉज अप्रूव बाई द यूनिक कैबिनेट अंडर एनईपी ये मैंने ऊपर खैर बात कर ही ली है यहां पर वही चीज यहाँ पर आ रही है दोबारा से सो so, इसी तरह से यहाँ पर वर्ल्ड बैंक के दो आम बेसिकली एक आईबीआरडी है दूसरी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना दूसरी कौन सी है ठीक है ओके okay. सो so, और यहाँ पर एक और चीज बताना दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है खैर यहाँ पर आईबीआरडी के बारे में मैंने लिखा हुआ है बट दूसरे जो एक इसकी आम है वो क्या काम करती है वो किस लिए है अगर ये भी लोन देती है तो वो लोन देती है वर्ल्ड बैंक भी लोन देता है, 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 है तो आखिरकार कौन लोन देता है लोन कौन किसको देता है ये थोड़ा सा एक बेसिक सा छोटा सा डिफरेंस है जो आप कहीं ना कहीं पढ़ोगे तो डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा सो एग्जाम पॉइंट इज अ क्वेश्चन यहाँ पर स्टार प्रोजेक्ट जो आपका एग्रीमेंट साइन किया गया है वो डिपार्टमेंट स्कूल एजुकेशन लिटरेसी ने वर्ल्ड बैंक के साथ साइन किया है बट यहां पर जो फंडिंग दी गई है वो आईबीआरडी के द्वारा दी गई मींस वर्ल्ड बैंक डायरेक्ट फंडिंग नहीं दी वर्ल्ड बैंक ने अपने आम के थ्रू अपने एक डिपार्टमेंट के थ्रू फंडिंग दिलवाई छह स्टेट्स के नाम याद रख ले दो सौ पचास मिलियन स्टूडेंट दस मिलियन टीचर थीम है एजुकेशन फॉर ऑल पांच सौ मिलियन टोटल खर्चा आएगा करोड़ ओके क्लियर है चलिए आगे चलते हैं IMF नहीं राजस्थान फिफ्थ स्टेट टू कंप्लीट अर्बन लोकल बॉडीज ओके सो यहां पर आपका अर्बन लोकल बॉडीज रिफॉर्म सो कुछ दिन पहले हमने बात की थी यहां पर आपको याद होगा यहां पर चार रिफॉर्म्स को कोविड

ऑफ डूइंग रिफॉर्म तीसरा था अर्बन लोकल बॉडीज और यहां पर अगला था आपका आ... पावर सेक्टर रिफॉर्म्स ओके चार रिफॉर्म्स से कुछ दिन पहले भी न्यूज आई थी कंटिन्यू कोई ना कोई स्टेट इसमें परफॉर्म कर रहा है और कंटिन्यू कुछ ना कुछ स्टेट इसमें सामने आ रहा है और इसका फायदा क्या हो रहा है अगर आप कोई भी इनमें रिफॉर्म अचीव करते हो तो आपको एडिशनल फंडिंग दी जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा तो इसी के तहत यहां पर अभी हाल ही में राजस्थान बना है पांचवा स्टेट जिसे अर्बन लोकल बॉडीज रिफॉर्म को पूरा किया है अब आखिरकार अर्बन लोकल बॉडीज रिफॉर्म जो है वो क्या कहता है सो वो ये कहता है आपका ये यहाँ पर लिखा हुआ है कहां पर गया येरपन ये लिखा हुआ यहाँ पर स्टेट इज रिक्वायर्ड टू नोटिफाई फ्लोर रेट्स ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स इन यूएलबी एज वेल एज द फ्लोर रेट्स ऑफ यूजर चार्जेस विद रिस्पेक्ट टू प्रोविजन ऑफ पावर सप्लाई ड्रेनेज एंड सीवेज ओके सो आप उनसे बिलिकल के चार्जेस ले रहे हैं जो प्रॉपर्टी टैक्स है वो वसूल किया जा रहा प्रॉपर सारा का सारा प्रॉपर्टी टैक्स सामने ले लिया जो भी उस पे जो भी उस पे एप्लीकेबल होता है सो वो सब चीजें अगर आप अर्बन लोकल बॉडी हैं अगर आप यूएलबी हैं यूएलबी मतलब होता है जो म्युनिसिपल काउंसिल म्युनिसिपल काउंसिल uh, होते हैं अपने मुंसिपल कॉरपोरेशन होते हैं उनकी हम बात करें ठीक है और ऐसा करने वाला ये पांचवा ऐसा बना है जिसने ये चीज अचीव की है और इसी के तहत उसको टू सेवन थ्री वन करोड़ रुपीज की एडिशनल फंडिंग दी गई है यहां पर स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के द्वारा डिपार्टमेंट एक्सपेंडिचर किसके तहत काम करता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के तहत यहां पर काम करता है बाकी स्टेट कौन से जिन्होंने अचीव किया मणिपुर आंध्र प्रदेश मध्य प्रदेश एंड तेलंगाना बाकी चार स्टेट्स ये थे सो दीज फाइव स्टेट्स को टोटल दस करोड़ रुपए मंजूरी दे दी गई है सो एग्जाम पॉइंट इज द क्वेश्चन यहाँ पर कौन सा स्टेट बना फाइव स्टेट इन द कंट्री टू तो सक्सेसफुली कंप्लीट द अर्बन लोकल बॉडीज अब ध्यान रखना कि ये न्यूज़ फिर से चेंज हो सकती है क्योंकि ये चीज फ्रीक्वेंटली आ रही है पिछले दिनों में कोई और स्टेट की न्यूज आई थी अभी और, और स्टेट की न्यूज आई है तो देखने वाली ये बात यह होगी कि अगर हमारे एग्जाम से पहले जो भी आने वाला हमारा एग्जाम है चाहे आरबीए की चाहे ईसी जी की बात कर रहे हैं आप अगर आप कोई भी उन एग्जाम्स को टारगेट करें अगर उस न्यूज से पहले मतलब चार तारीख को जो एग्जाम है उसमें तो खैर नहीं है पॉसिबल अगर इनकेस आता है तो वो भी लेटेस्ट ही है अगर उनसे पहले कोई और न्यूज नहीं आती तो आपके लिए सही बन जाएगा ठीक है तो आपके आर्ब आरबीए राजस्थान फिफ्थ स्टेट टू तो कंप्लीट दी अर्बन लोकल बॉडीज रिफॉर्म ये बनेगा ओके एक में आया से ठीक है, है नहीं नथिंग ओके सो यहां पर आपका आ, राजस्थान फिफ्थ स्टेट ये आपका हुआ ठीक है अर्बन लोकल बॉडीज रिफॉर्म को पूरा करने वाला हाँ, सो यहां पर पिछले न्यूज़ कुछ दिन क्या आई थी तो वो अच्छे से रिवाइज तो में स्टैटिक फाइनेंशियल अभी -अभी का, का कह सकते हैं है, कि डिपार्टमेंट एक्सपेंडिचर कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर काम करता है समथिंग लाइक दिस तो वैसे तो एक्सपेंडिचर आप देखते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इजिल टिक कर दोगे बट कई वहां पर कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए वहां पर कुछ ऐसी चीजें दे देते हैं जो समझ से भरे हो जाती हैं ठीक है सो so, वो वो चीज़ आप ध्यान रखिए अगली खबर चलते हैं अमित शाह ने चेयर किया सिक्स प्लेनरी मीटिंग ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल इन शिलोंग मेघालय ओके शिलोंग मेघालय में, okay. में, में यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ़ इट वाज नोटिफाइड गवर्नमेंट बजट विल बी यूज फॉर डेवलपमेंट ऑफ द अंडर डेवलपमेंट एरियाज एंड यूनियन बजट है ट्वेंटी फोर परसेंट से इंक्रीज हुआ है ये आपका अमित शाह जी ने इसको चेयर किया सिक्सटी प्लेनरी मीटिंग ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल कहाँ पर की शिलोंग मेघालय में की थी ओके okay, चलिए यहाँ पर सेट टारगेट और 2020 अंडर द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत यहाँ पर ये यह टारगेट सेट किया गया और सेंट्रल गवर्नमेंट के असिस्टेंट की बात करें तो कोविड में टोटल सेवन करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं जिसमें सेवन पॉइंट सेवन फाइव लैख मेट्रिक टन ऑफ फूड वर प्रोवाइडेड टू करोड़ फूड्सियरीज अबाउट थर्टी थाउजेंड मेट्रिक टन ऑफ पल्स लैक गैस सिलेंडर डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री ऑफ कॉस्ट अंडर दी प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना यहाँ पर पांच सौ तिरपन करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए सत्रह सौ सात करोड़ रुपए जनधन योजना अकाउंट होल्डर्स को दिए गए जब उनको लमसम अमाउंट दी गए थे

इंडियन एयरफोर्स एंड दस एफएएसएफ दैट इज इंडियन एयरफोर्स एंड फ्रेंच एयर एंड फोर्स यहां पर इन्होंने यहां पर पार्टिसिपेट किया फर्स्ट एडिशन फर्स्ट एडिशन ऑफ दसाइज दैट इज द एक्सरसाइजर्ट नाइट ट्वेंटी वन विच वॉज हेल्ड एट एयर फोर्स स्टेशन जोधपुर सो दिस इंडियन एयरफोर्स एंड दस एफ होल्ड फर्स्ट एडिशन ऑफ दटर एयर एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट ट्वेंटी डेजर्ट नाइट ट्वेंटी वन यहां पर इंडिया और फ्रांस के एयरफोर्स में और ये आपकी पहली पहली इस तरह की एक्सरसाइज थी जिसमें आपके रफाल जेट्स को यूज किया गया जिसमें आपके रफाल जेट्स को यूज किया गया था ये आपकी अपने आप में पहली तरीके की एक्सरसाइज थी ओके ओके okay, सो so यहाँ पर आपकी पहले तरीके की एक्सरसाइज थी डेट इज डिजर्ट नाइट 2021 ट्वेंटी यहाँ पर आपकी रफाल को यूज किया गया था ओके चलो आगे चलते हैं हम इंडिया uh, फ्रांस और इससे पहले यहां पर एक कंडक्ट की गई थी वॉर गेम्स दैट कोड एक्सरसाइज स्काई रोज स्काई रोज उसको नाम दिया गया था जनवरी में हुई थी जोधपुर में दोनों के बीच में इंडिया एंड दी फ्रांस के बीच में इंडिया एंड फ्रांस के बीच में आपकी ये एक्सरसाइज आपकी हुई थी okay. ओके इंडिया एंड फ्रांस के बीच में हुई थी एक्सरसाइज स्काई नाम की इट इज अ वॉर गेम व्हिच विल इन्वॉल्व रफेल फाइटर जेट्स फ्रॉम बोथ द कंट्रीज इट विल बी द फर्स्ट मेजर वॉर गेम ऑफ द आईएफ इन्वॉल्विंग द पार्टिसिपेशन ऑफ द आईएफ सो दिस इज द इंडियन एयर फोर्स एस एक्सरसाइज कहां पर हुई एक्सरसाइज का नाम क्या था क्या इसमें पहली बार इन्वॉल्व किया रफेल जेट्स पहली बार इन्वॉल्व किए गए थे और इसके अलावा स्काई नाम की किसके बीच में थी इंडिया एंड फ्रांस के बीच में हुई थी

ओके okay, कवच यहाँ पर इन डिफेंस ऑफ फॉर द डिफेंस ऑफ अंडमान निकोबार आइलैंड वर आल्सो पार्ट ऑफ 21 एक्सरसाइज ओके आईलैंडी 21 एक्सरसाइज का ही पार्ट रहा कवच कवच पार्ट रहा कवच यहाँ पर अंडमान सी में में बे ऑफ बंगाल पर अंडमान निकोबार कमांड जो है उसके साथ हुआ यहां पर उसके लिए हुआ और बोथ एक्सरसाइज में यहाँ पर इंडियन आर्मी एयरफोर्स एंड नेवी एंड कोस्ट गार्ड शामिल थे ओके सो ये सब शामिल थे यहाँ पर कॉर्वेट सबमरीन एम्फीबियस लैंडिंग शिप्स ईस्टर्न नेवल कमांड की एंड दीबियस ब्रिगेड आर्मी सर्दन कमांड की ये शामिल हुई इसलिए इसको नौ ट्राई सर्विस कमांड कहा जाता है क्योंकि अंडमान निकोबार कमांड भी थी ईस्टर्न नेवल कमांड भी थी और यहाँ पर आर्मी की सर्दर्न कमांड भी थी स्पेशल फोर्सेस में आपका पैरा कमांडोज मरीन कमांडोज जगुआर एयरक्राफ्ट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्सेज सब शामिल हुए सो एग्जाम पॉइंट ऑफ क्वेश्चन एम्पेक्स ट्वेंटी अंडमान निकोबार आईलैंड में हुई ये याद रखना ट्राई सर्विस एम्फीबियस एम्फीबियस का मतलब होता है यहाँ पर जब पानी में एक्सरसाइज हुई आपकी और कवच नाम की एक्सरसाइज कहाँ पर ये भी वहीं पर ही हो रही थी ये कवच नाम की एक्सरसाइज इसी का इसी 21 के अंडर आई एम्पैक्स ट्वेंटी वन एक्सरसाइज के ओके सो ये आपके इंडियन नेवी ने कंडक्ट किया एक्सरसाइज एग्जाम में आ गया एम्पेक्स ट्वेंटी वन किसके द्वारा कंडक्ट किया इंडियन नेवी के द्वारा कंडक्ट की गई इंडियन नेवी के तीनों, तीनों आ, के तीनों इंडियन नेवी के आपके तीनों जो नेवल कमांड्स हैं ईस्टर्न सर्दन और यदि अंडमान निकोबार कमांड यहाँ पर शामिल हुआ ओके नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं आयुष्मान सीएपीएफ स्कीम फॉर पर्सनल एंड डिपेंडेंट्स ऑफ द सीएपीएफ यूनियन मिस्टर अमित शाह ओके सो यहाँ पर आपका आज बहुत ज्यादा हो गया मेरी बात सुनो तुम लोग बंधुओं हैं मैं यहाँ पर छुट्टी अपनी बर्बाद करके तुम लोगों को पढ़ा रहा हूँ हैं और अगले छः दिन तक पढ़ाऊँगा जबकि मैं चाहूँ तो ना लूँ क्लास में यहाँ पे घर पे भी नहीं हूँ नेट कनेक्शन भी है नेट कनेक्शन का भी है है सब है, फिर भी मैं पढ़ा रहा हूँ फिर भी मैं अपना टाइम तुम्हारे लिए खराब कर रहा हूँ मैं तो ये बोलूंगा खराब कर रहा हूँ और तुम लोग यहाँ पर बोल रहे हो ज्यादा हो गया कम हो गया पढ़ लो चुपचाप आयुष्मान सीएपीएफ पी एफ स्कीम फॉर पर्सनल एंड डिपेंडेंट ऑफ सी ए पी एफ यहाँ पर अमित शाह मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर फंक्शन इन गुवाहाटी असम वेयर ही लॉज दी आयुष्मान सी ए पी एफ स्कीम फॉर पर्सनल एंड डिपेंडेंट ऑफ द सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स ओके विच विल फुल्ली इम्प्लीमेंटेड बाई द एक मई दो हजार इक्कीस ओके एक मई दो हजार इक्कीस से यहाँ पर पूरी तरह इम्प्लीमेंट किया जाएगा इसको और ये बेसिकली क्या आयुष्मान सी ए पी एफ जो आयुष्मान स्कीम हमने पढ़ी थी इस न्यूज़ का जिस्ट बता देता हूँ पहले शॉर्ट में बता देता हूँ जो आयुष्मान भारत स्कीम उन्होंने पड़ी थी आयुष्मान भारत स्कीम में, में यही था कि पांच लाख रुपए तक का दिया जाता है वो पांच लाख रुपए सभी को नहीं दिया जाता ठीक है सो so, यहाँ पर आपका जो आयुष्मान भारत स्कीम अब सी के जवान जो है उनके लिए जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के जवान है उनके लिए यहां पर इंप्लीमेंट की गई है विच विल बी फुल्ली इंप्लीमेंटेड बाय एक मई से इंप्लीमेंट हो जाएगी जिसमें 28 लाख पर्सनल जो सी असम राइफल नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के हैं उनकी फैमिलीज इनको कवर किया जाएगा ये एक एमओ साइन किया गया नेशनल हेल्थ ऑथोरिटी एंड दी एम के द्वारा दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ठीक है ये ऑल्सो प्रेजेंटेड आयुष्मान सी ए पी एफ बेनिफिशरी ई हेल्थ कार्ड्स भी दिए गए यहाँ पर और पैन इंडिया स्कीम ये पहली तरह की स्कीम है आपकी जो कि यहां पर कंडक्ट की गई जिसमें आपके सीएपीएफ के पर्सनल को भी स्कीम में शामिल किया गया पहली बार ऐसा हुआ है और इसमें आपके ये सबी -सबी आपके ये सभी सभी जो जवान हैं उनको यहां पर ये मौका दिया गया है मतलब मौका क्या इन सबको यहां पर कवर किया जाएगा ओके okay, सो so ये हैं आपके सीएपीएफ के जवान सारे की सारी फोर्सेज आपके सामने सात फोर्स है बी एस एफ सी आई एस एफ है सीआरपीएफ आई टीबी है और उनके है, okay. so इसके अलावा उनको मेडिकल चेकअप वंस एवरी थ्री एंड देयर फैमिली वंस इन थ्री सो so, ये प्रोवाइड किया जाएगा आयुष्मान सीएपीएफ स्कीम फॉर पर्सनल एंड डिपेंडेंट ऑफ दी एफ एक्साम इंपॉर्टेंट डेट इंपॉर्टेंट है डेट याद रख लेगा सकती है एक मई दो हजार इक्कीस डेट हमेशा इस तरह की जब भी स्कीम फ्यूचर की होती है डेट इंपॉर्टेंट हो जाती है ओके okay, किसके द्वारा साइन किया गया एग्रीमेंट ये इंपॉर्टेंट है सातों के सातों सी के जो हैं आपके फोर्सेस उनके नाम याद उनके फुल फॉर्म याद आपको होनी चाहिए एग्जाम में ट्रिकी क्वेश्चन के हिसाब से ये बन सकता है कि कौन सा इनमें से नहीं है कौन सा है कौन कौन सी क्या क्या चीज़ है सी में कौन से शामिल है इस तरह का क्वेश्चन ठीक है अगली न्यूज पे चलते हैं एनिवर्सरी ऑफ द पच्चीस भारत, भारत यहाँ पर द्वारा और यह अद्वित्य आश्रम के द्वारा अद्वित्य आश्रम यहाँ पर इसके द्वारा यहाँ पर इसको ऑर्गेनाइज किया गया अद्वितीय आश्रम के द्वारा एक एनिवर्सरी प्रबुधा भारत की प्रबुधा भारत एक प्रकार से एक मंथली मैगजीन है रामकृष्णा ऑर्डर की एंड ये आपकी मैगजीन जो 1896 में आपकी फाउंड की गई थी बाय द पी अयस्मी बी आर रजव अय्यर जी जी नरसिमाचार्य एंड द नरसिमाचार्य एंड द बी कमेश्वर अय्यर के द्वारा अंडर द गाइडेंस ऑफ स्वामी विवेकानंद जी ओके सो यहाँ पर आपको बहुत जगह लिखा हुआ ये भी मिलेगा बहुत जगह आप पढ़ोगे कि स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा ये शुरू की गई थी ये मैगजीन बट स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा शुरू नहीं की गई थी स्वामी विवेकानंद की गाइडेंस में शुरू की गई थी जो लॉन्च की थी वो इन चार लोगों ने लॉन्च की थी कब की थी में लॉन्च तो एक सौ पच्चीसवीं एनिवर्सरी आ गई उसकी इकतीस जनवरी दो को सो so एग्जाम पॉइंट यहाँ पर ऊपर वाले में से क्वेश्चन किसके द्वारा है रामकृष्ण की है किसके द्वारा लॉन्च की गई है चारों नाम आपसे पूछ सकते हैं प्रबुधा भारत का एक एनिवर्सरी कब थी ये पूछी जा सकती है सो so, ये आपकी मैगजीन बेसिकली आपकी उन्हीं के मैसेजेस को स्प्रेड करती है आगे और इसमें आपका कंप्राइज ऑफ आर्टिकल्स एंड ट्रांसलेशन वाले मोक्स स्कॉलर्स उनके द्वारा यहाँ पर बताई गई काफ़ी सारी चीज़ें हैं पब्लिकेशन ऑफ प्रभुता भारत मैगजीन ये मद्रास में स्टार्ट हुई जिसको अब आज चेन्नई के नाम से जानते हैं दो साल तक ये चेन्नई में आपकी पब्लिश हुई उसके बाद ये अल्मोरा में बनी फिर एटीन से इसको अद्वितय आश्रम में पब्लिश करने आ जाने लगा एंड इट इज़ एडिटेड एंड इट इज पब्लिशन प्रिंटेड इन द कोलकाता एटीन में यहाँ पर फाउंड किया गया था आश्रम उत्तराखंड okay, में बट यहाँ पर जो आ, ये जो मैगजीन थी जब ये कोलकाता में था अद्वित्य आश्रम तब यहाँ पर आपका ये प्रिंट किया जाता था ओके सो यहाँ पर प्रिंटेड की जाती है कोलकाता में इट इज प्रिंटेड बाई दी कोलकाता पब्लिश की जाती है कोलकाता राइट सो एक सौ पच्चीसवीं एनिवर्सरी ये जो हाईलाइट किए हैं इम्पोर्टेंट है, है. चारों के चारों नाम इम्पोर्टेंट है पूछे जा सकते हैं ये ईयर पूछा जा सकता है फिलहाल ये कोलकाता में है और ये आपका आश्रम एटीन में फाउंड किया गया था अगली खबर चलते हैं वर्ल्ड नेगलेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज डे सो यहाँ पर वर्ल्ड नेगलेक्टेड ट्रॉपिकल डे जो कि ऑब्जर्व किया जाता है तीस जनवरी को तीस जनवरी को आता है वर्ल्ड नेगलेक्टेड ट्रॉपिकल डे डिजेज डे सॉरी और ये नेगलेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेज कौन कौन सी होती हैं ये आपके सामने लिखी हुई हैं ओके सो ये आपकी डिजीज अल्सर हुई चैगज हुई डेंगी हुई चिकनगुनिया हुई इस तरह की सारी सारी यहाँ पर होती हैं आपकी वर्ल्ड नेक्लेक्टिक ट्रॉपिकल डिजीजेस इसके बारे में डे जो 30 जनवरी को ऑब्जर्व किया जाता है एंड uh, इसी मौके पर यहाँ पर क्या किया गया इसी मौके पर यहाँ पर आपका पूरी की पूरी दुनिया में यहाँ पर 50 से लैंडमार्क्स को चुना गया जो कि 25 नेशंस है जिनको लाइटन अप किया गया लाइटन किया गया और इसमें इंडिया की तरफ से कुतुब मीनार था कुतुब मीनार एज अ साइन ऑफ यूनिटी टू कम बैक दिस नेगलेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज सो इंडिया की तरफ से कुतुब मीनार को यहां पर लिटअप किया गया था एंड इंडिया इज होम टू द वर्ल्ड लार्जेस्ट एब्सोल्यूट बर्डन ऑफ इलेवन ऑफ नेगलेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज ओके सो ये था आपका Uh, जिसमें सबसे ज़्यादा उन 11 नेशंस में शामिल है जहां पर सबसे ज़्यादा आपके नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेज होती हैं सो so, एग्जाम एग्ज़ाम्पल से कुतुब तो मीनार पूछा जा सकता है डेट पूछी जा सकती है टोटल कितने लैंडमार्क्स यहां पर कितनी नेशंस इसमें शामिल हुए ये पूछा जा सकता है डिजीज याद करने मत बैठ जाना कि सर ने कहा डिजीज भी याद करो नई डिजीज याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है ओके okay, पांच में से एक पर्सन है जो फैक्ट होता है इस एन से ग्यारह ऑफ द मेजर निगल्टेड ट्रॉपिकल डिजीज अगला चलते हैं वर्ल्ड लेप्रोसी डे सो ट्वेंटी लास्ट संडे ऑफ जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है आपका वर्ल्ड लेप्रोसी डे एवरी ईयर एज पर द रिपोर्ट देयर वर टू जीरो न्यू लेप्रोसी केसेस ग्लोबली

सो एग्जाम पॉइंट क्वेश्चन लास्ट संडे है ध्यान रखना 31 जनवरी नहीं है 30 जनवरी नहीं है ये आपकी ये है लास्ट संडे ऑफ जनवरी जो कि इस बार यहाँ पर 31 तारीख को आया ठीक है 31 तारीख को आया था यहां पर सॉरी oh, uh, तारीख को ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है यहाँ पर ये इकतीस को आई थी इस बार और इंडिया में इसको 30 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है गेटिंग पॉइंट है कंफ्यूज मत हो जाना वर्ल्ड अप्रोसी डे इकतीस को ही है जो कि लास्ट संडे को आया था इस बार इंडिया में इसको 30 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना जब एग्जाम में कि इंडिया का पूछ रहे हैं है। और यह भी ध्यान रखना कोई फिक्स नहीं है इकतीस को आएगा लास्ट संडे को आएगा गेटिंग माई पॉइंट लास्ट संडे को आएगा बट इंडिया में तीस को किया जाता है इंडिया में संडे का हिसाब नहीं है इंडिया में फिक्स है तीस जनवरी को किया जाएगा और दुनिया में लास्ट संडे को किया जाएगा बात खत्म ठीक है हैंसन डिजीज और किसके नाम पर गेरहड हेनरिक एंडमी और हैंसन के नाम पर नॉर्वे के फिजिशियन ओके सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडे सेशन उम्मीद करता हूँ खत्म हो गया होगा अगर आपको मॉक टेस्ट हमारे परचेज करने यू कैन गो फॉर दिस एनुअल मॉक पैकेज एनुअल मॉक पैकेज केवल केवल फाइव हंड्रेड में अवेलेबल है सभी के सभी मॉक टेस्ट प्री के मेंस के हिंदी एज वेल एज इंग्लिश एंड बहुत सारे प्रैक्टिस सेट्स आपके लिए अवेलेबल है मिनी मॉक टेस्ट आपके लिए अवेलेबल रहेंगे आपके लिए जी के टेस्ट अवेलेबल रहेंगे जो मैं डिजाइन करता हूँ और बहुत सारी चीज़ें आपके आने वाले समय में टाइम टू टाइम प्रोवाइड करी जाएगी आरबीए ग्रेड भी इसे फेज वन से रिलेटेड जो मॉक टेस्ट आपको चाहिए प्री के यानी कि फेज वन की बात करूँ और इसी जिस के जो आपके मॉक टेस्ट है वो इसी वीक आपके लिए लॉन्च हो जाएंगे अगर आप एनुअल पैकेज लेते हैं फाइव हंड्रेड का तो उसी के अंदर ही आपके वो भी इंक्लूड हो जाएंगे आपको उसके लिए अलग परचेज करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी ओके सो ये रहा आपका एनुअल पैकेज आपके सामने एग्जाम लेवल के क्वेश्चंस है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं चाहे प्री के हो चाहे मेंस के हो आपके बहुत ज्यादा शानदार प्रैक्टिस हो जाएगी वेरी वाजिब कोस्ट पे केवल गर्ल 500 और जस्ट विजिट आवर वेबसाइट डिस्क्रिप्शन में लिंक है ऐप डाउनलोड कर सकते हैं हमारी उस पे जाइए और बेजेक ट्रस्ट करके अगर आप मेरी मेरे इतना ट्रस्ट करते हो तो इस ऐप पर और इस वेबसाइट पर आप ट्रस्ट करते हैं टक्कर के हैं मॉक टेस्ट जो आप बहुत ही मॉकटेड इंस्टीट्यूशन के बारे में सुनते हैं उनके टेस्ट, उनके मॉक मॉक टेस्ट टेस्ट उससे भी आपके टक्कर के मॉक टेस्ट हैं आप इनको एक बार आजमाइए और आप ये डैम श्योर हूं कि आप इसको गलत नहीं कर पाओगे कि नहीं सर मजा नहीं आया शानदार मजा आएगा ठीक है एंड टेक केयर बाय बाय सी यू अगेन मिलते हैं फिर कल सुबह आठ बजे इसी तरह से अब और कोई क्लास नहीं होगी ठीक है uh, मिलने का समय मैं डेफिनेटली आपको मैं ऑलरेडी कन्वे कर चुका हूँ मैं दोबारा से कन्वे कर दूंगा बारह बजे के नियर निरब कन्फर्मेशन दे दूंगा आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहेगा और मैं और मैम दोनों मिलना चाहते हैं आप सभी से भी आप में से काफ़ी लोग जो दिल्ली रहते हैं तो उनसे भी मुलाकात करेंगे आज मौका मिलेगा आपको मिलने का लेट्स सी कौन कौन आता है इवनिंग में एंड टेक केयर बाय बाय सी इन द इवनिंग अगर आप रूबरू होना चाहते हैं तो नहीं तो सुबह आठ बजे हम वर्चुअल डेली बेसिस में मिल ही रहे हैं लाइक कर दीजिएगा शेयर कर दीजिएगा सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को टेक केयर बाय